लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। पीएम मोदी ने आज की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। जानिए किन किन क्षेत्र में 1 करोड़ रोजगार देगी योगी सरकार। 1 जुलाई से देश में लागू होगा अनलॉक 2, न की सख्त लॉकडाउन। जानिए कैसा होगा अनलॉक 2। इस राज्य में लग सकता है 10 दिन का लॉकडाउन, सरकार कह रही है विचार। ड्रैगन को एक और जोरदार झटका, दिवाली पर भी चीन में तैयार कोई भी माल नहीं होगा आयात। दिल्ली में पेट्रोल भी 80 रुपए लीटर के पार, जाने आपके राज्य में क्या है कीमत। 12 अगस्त तक सभी रेगुलर ट्रेन रद्द, जानिए 100 जोड़ी ट्रेनों स्पेशल ट्रेन का क्या होगा। 15 जुलाई को होगी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा, सीबीएसई ने किया ऐलान। चलिए जानते हैं हम खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कन्फर्म केसेस का आंकड़ा 4,91,170 को पार कर चुका है और 15,308 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 285,671 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,91,856 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 97,14,809 कन्फर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़ा और बढ़ गया हो। पीएम मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। ये अभियान रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए, स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे इस योजना को डिजिटल तरीके से शुरू किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों से भी बात की। योगी सरकार ने 1 करोड़ लोगों को एक साथ रोजगार देने का मेगा प्लान बनाया। इसमें एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से कुल 50 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसीलिए योगी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान शुरू कर रही है। सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी संस्थाओं में 11 लाख प्रवासी कर्मचारियों को रोजगार दिया जाएगा। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रियसिस ने कहा है कि भले ही यूरोप में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप कम हो गया हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति और खराब होने वाली है। अगले हफ्ते तक संक्रमितों की संख्या 10 मिलियन और मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच सकता है। डॉक्टर टेड्रोस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया कि वायरस अभी भी फैल रहा है, ये समय हमें अपने आप को सुरक्षित बनाने का है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बृहस्पतिवार को कहा, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती समीक्षा करके उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला कर सके। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है और इसी योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। 1 जून से देश में अनलॉक 1 को लागू किया गया। हालांकि अनलॉक 1 के दौरान भी मेट्रो बस जैसी सेवाएं प्रतिबंधित रही। माना जा रहा है कि अनलॉक 2 में सरकार और ढील देने पर विचार कर सकती है। कुछ खबरें हैं कि सख्त लॉकडाउन आ सकता है, लेकिन मोदी जी ने अपनी बैठक में ये साफ कर दिया है कि अब लॉकडाउन नहीं आएगा। अनलॉक 2 के बारे में सोचे राज्य सरकारें, यानी अब देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 लागू होगा, न कि लॉकडाउन। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अलकायदा के खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को संसद में शहीद करार करके अपने देश में ही बुरी तरह से गिर गए हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान खान को इस बारे पर आड़े हाथों ले रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। पीएमएलएन पार्टी के सीनियर नेता ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को संसद में ही लादेन को शहीद करार देने को लेकर इमरान को लताड़ लगाई। मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को लॉन्च करने के दौरान मोदी ने बहराइच के तिकल राम से बात की, जो खेती करते हैं। पीएम ने कहा, पीछे बहुत बड़ा मकान बन रहा है। इसके बाद किसान ने कहा, ये आपका ही है क्या? आवास योजना से हमें फायदा मिला। पीएम ने कहा कि आपको मकान मिला है, लेकिन मुझे क्या दोगे? जवाब में किसान ने कहा, हम दुआ करते हैं कि आप पूरी जिंदगी पीएम रहे। इस पर पीएम मोदी हंसने लगे।
पेट्रोल डीजल के दाम में तेल कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार 20वें दिन बढ़त की। डीजल के बाद दिल्ली में पेट्रोल 80 के पार हो गया। शुक्रवार को डीजल 17 पैसे महंगा हुआ और वहीं पेट्रोल की कीमत में 21 पैसों का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 80.13 रुपए और डीजल 80.19 रुपए प्रति लीटर पर है। मुंबई में 86.91 पेट्रोल और डीजल 78.51, चेन्नई में पेट्रोल 80.37 और डीजल 77.44 और कोलकाता में पेट्रोल 81.82 और डीजल 75.34 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में मॉनसून अपने तय समय 27 जून से दो दिन पहले ही पहुंच गया। वहीं दो दिन से यूपी और बिहार में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने से 107 लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में बिहार के 38 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी की है। भारत मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अब आगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, हिमाचल प्रदेश, पूरी दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच सकता है। हालांकि राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के अगले 3 दिन में बारिश की गतिविधियां कमजोर होगी। असम में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य में 4 और जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं एक व्यक्ति मौत के साथ बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 13 हो गई। राज्य में 1.89 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक तेजी से पहुंचे और बचाव राहत कार्य के दौरान कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करें। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपनी राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के तहत एक कदम आगे बढ़ाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश व्यापारियों और लोगों से इस साल की दिवाली को बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाने की अपील की। कैट ने कहा कि सभी भारतवासी इस बार दिवाली पर किसी भी चीनी सामान का उपयोग न करें। बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर आज CBSE सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेगी। हलफनामे में CBSE मूल्यांकन के पैटर्न और बोर्ड एग्जाम को लेकर अपनी नीति अदालत को बताएगी। वहीं CBSE ने बताया कि CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान CBSE से कहा था कि आगामी 1 जुलाई से बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, आगे हालात देखकर कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बुधवार को जारी आंकड़ों में 24 घंटों में 6 लोगों की रिकॉर्ड मौत दर्ज हो गई है, जिसके बाद हरियाणा सरकार एक सीमित लॉकडाउन करने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार ये लॉकडाउन शहर में लगभग 10 दिनों तक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पिछले हफ्ते मनोहर खट्टर के दौरे के बाद हुई चर्चा में ये फैसले लेने की बात हुई। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। गुरुवार रात से जारी मुठभेड़ में अभी एक आतंकी की लाश मिली है, बाकी की तलाश की जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान और पुलिसकर्मी घायल हो गया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन है। रिपोर्ट्स के अनुसार त्राल के चेवा उल्लर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेन को रद्द किया। रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेन 12 अगस्त तक रद्द रहेंगी। उन्होंने बताया कि स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। इसके तहत 12 मई से राजधानी के मार्ग पर चल रही 12 जोड़ी ट्रेन एक साथ तथा 1 जून से चल रही 100 जोड़ी ट्रेन जारी रहेंगी। कैंसिल की जा रही ट्रेनों की टिकट का पूरा पैसा रिफंड होगा। कोरोना वायरस संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, खासकर अमेरिका में तो एक दिन में सबसे ज्यादा 37,077 नए मामले सामने आए, ये अब तक का रिकॉर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर एक दिन में 2,430 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित है, जबकि यहाँ पर अब तक 1,24,410 लोगों की मौत हो चुकी है। रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम वाला एक और प्लान लेकर आई है। रिलायंस जियो ने 999 रुपए वाला एक तिमाही प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को रोजाना 3 GB डेटा एक साथ कई बेनिफिट्स के साथ मिलेगा। ये उन ग्राहकों के लिए बहुत ही काम आएगा जो डेटा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस पैक की वैलिडिटी 84 दिन की है। इस पैक में कुल 252 GB डेटा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद 64 KBPS की इंटरनेट स्पीड मिलती है। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया कि कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर और फेविपिरावीर भारी मात्रा में खरीदी जाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ये दवाइयां खरीदी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये दवाइयां महंगी हैं, इसलिए राज्य सरकार उन्हें खरीदने का फैसला कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इंदिरापुरम के ज्ञान खंड में एक पति पत्नी ने शुक्रवार को खुदकुशी कर ली। 9 महीने का बच्चा घर में अकेला मिला। पुलिस ने बताया कि पत्नी पल्लवी ने ड्राइंग रूम में और पति निखिल ने बेडरूम में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार पल्लवी ने मौत के पहले ग्रेटर नोएडा में अपनी बहन को सुबह तकरीबन 4 बजे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि घर में बेटा अकेला है, आकर देख ले। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।